Hello students, let's do this question. The question says read the statements below. So, तीन statements हैं, कहते हैं choose the option containing correct statement. जिसमें भी correct statement लिखा है आपको वो option choose करना है, ठीक है? So, पहला statement है aromatic hydrocarbons are immiscible with water but readily miscible with organic solvents. बिल्कुल सही बात है, जो भी aromatic hydrocarbons होते हैं basically aromatic hydrocarbons वो होते हैं जिनके अंदर आपकी मतलब हाइड्रोकार्बन्स तो पता है हाइड्रोजन एंड कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन, बट ऐसे जिनमें से कोई अरोमा आता है, ठीक है, स्मेल आती है, प्लेजेंट स्मेल आती है, उसको हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है, जिसमें ज्यादातर बेंजीन एज अ इम्पॉर्टेंट आपका क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है, नॉट न्यूक्लियस दैट एटम वाला न्यूक्लियस, उसको मतलब मोइटी प्रेजेंट होती है, ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है? तो बेंजीन, टॉलुइन, नाफ्थलीन, बाइफिनाइल, ये सारे क्या है आपके एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है? तो इसके अंदर बेंजीन प्रेजेंट है, कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें बेंजीन नहीं होती है, तो जैसे कि आपका ये आपका ट्रोपाइलियम हो गया, ट्रोपाइलियम आयन्स हो गए, ठीक है, तो ये नॉन बेंजीनॉइड्स होते हैं, क्लियर? तो अब ये जो होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, काफी बड़े साइज के भी होते हैं, इस वजह से इमिसिबल होते हैं सिर्फ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में और वाटर में इमिसिबल होते हैं। बी में लिखा है बेंजीन रिएक्ट्स विद एक्सेस क्लोरीन टू क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 टू प्रोड्यूस C6Cl6। तो ये भी क्या है, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है, मतलब कि अगर मैं बेंजीन का रिएक्शन किससे करा दूं, Cl2 से करा दूं, एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में, तो हमें पता क्या होगा, हमें पता है यहां पर क्या होगा कि ऐसे करके ईच हाइड्रोजन को क्या होगा, क्लोरीन सब्स्टिट्यूट कर देगा, तो यहां से क्या बन जाएगा Cl Cl Cl6 Cl6, ये बन जाएगा, ठीक है, मतलब आपने एक्सेस में क्लोरीन लिया है ना, तो एक्सेस में क्लोरीन लेने की वजह से जितने भी हाइड्रोजन होंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे, सब के सब क्लोरीन्स क्या होंगे, सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे। सो इस कंपाउंड को हम कहते हैं हेक्साक्लोरोबेंजीन, दिस कंपाउंड इज नोन एज हेक्साक्लोरोबेंजीन, राइट? सो ये स्टेटमेंट ट्रू है। थर्ड में लिखा है असाइलियम आयन इज अ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड इलेक्ट्रोफाइल। असाइलियम आयन क्या होता है, CH3C डबल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड ओ सी एल, अगर मैं इसका रिएक्शन एक लुईस एसिड से लेट से AlCl3 से कराती हूँ तो क्या होता है, देखो क्लोरीन के पास क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं, एल्यूमिनियम हमारा इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, तो ये क्या होगा, यहाँ से एडक्ट का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है, और ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो जाएगा, तो क्या बनेगा CH3 डबल बॉन्ड ओ पॉजिटिव, ठीक है, और यहाँ से क्या बन जाएगा आपका AlCl4 नेगेटिव, ठीक है। अब ये जो है ये असाइलियम आयन है, ठीक है, अब ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है कैसे, क्योंकि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने लोन पेयर्स को दे देगा कार्बोकेटायन को, तो क्या बनेगा ये CH3 C ट्रिपल बॉन्ड, और ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, तो इस तरीके से ये जो आयन है रेजोनेंस स्टेबलाइज है, क्लियर? सो यहाँ से ये क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है, तो तीनों ही करेक्ट हैं, तीनों ही ट्रू हैं, सो इस वजह से डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रेस्ट आर इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड, थैंक यू।